हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल कमकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये मेरा कलांचो है और ये सिंगापुरी जो हाइब्रिड वाला है वही कलांचो है। कलर नहीं पता क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी सी ब्रांचें लगा दी थी जगह जगह, अब फूल खिलेंगे तो इनमें कलर पता चलेगा। तो अब आप कलांचो में ये काम कर लीजिए कि इन्हें रिपोर्ट कर लीजिए। तो इसमें मेरी मिट्टी है, ये सैंडी सॉयल है, ये मेरी देख रहे हैं, इसमें मैं धान की भूसी हुई, इसमें देखिए कितनी बजरपुट वगैरह है। इसमें मैंने हिबिस्किस लगा दिया था अपना ये वाला, तो इसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी। इसमें बर्ड्स वगैरह भी आ रही हैं, वैसे रिपोर्ट तो नहीं करना चाहिए था मगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है अब, तो मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। इसमें धान की भूसी भी मिला लेते हैं, इस तरह से धान की भूसी अच्छे से मिला लेंगे यूँ करके। और ये कंपोस्ट गोबर की खाद है, ये अच्छे से बनी हुई खाद है, तो इन्हें इसमें डाल ले रही हूँ मैं ये, और ऐसे करके भर ले रही हूँ ये फटाफट फटाफट। मैं वीडियो बना के दिखा दे रही हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा कैक्टस का सॉइल थी, इसमें तो बजरपुट वगैरह काफ़ी है, तो ये इसके लिए हार्म नहीं करेगा। और इसे हम इस तरह से ऐसे करके निकाल लेंगे इस तरह से, और ये रूट बॉल के साथ इसमें रख देंगे इस तरह से, और मिट्टी इसमें और भर लेंगे इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी मौसम थोड़ा चेंज भी हो रहा है तो मैंने सोचा चलो आज मैं रिपोर्ट ही कर देती हूँ इसे, मगर अभी बारिश के पानी से, अगर आपके एरिया में बारिश चली गई तब तो ठीक है, मगर अगर बारिश है तो थोड़ा बचा के रखिएगा अपने एरिया में पानी से। और इसमें मैं एक काम और करती हूँ, इसकी ये ब्रांच टूट गई है, ये वाली ब्रांच देख रहे हैं, ये टूट गई, तो मैं ये इसमें लगा दूँगी। और इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है, होल नहीं होगा तो पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा तो ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाएगा, और पानी भर जाएगा तो आपके प्लांट मर जाएंगे इस तरह से। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ, ये इतनी मिट्टी मैंने डाल दी है, और इसमें मैं ये लगा दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि ये कलांचो पत्तियों से भी हो जाता है, तो छोटी सी ब्रांच भी आप लगा दोगे तो भी ये हो जाएगा। इसके नीचे की दो ब्रांचें निकाल देती हूँ, चल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना, इस तरह से ऐसे। बस पानी का ही ध्यान रखना है अभी, और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना है। इस तरह से ये कुछ पत्तियाँ भी आप लगा सकते हो इस तरह से, तो पत्ती से भी ये मैंने ग्रो किए हैं काफ़ी कलांचो। लास्ट ईयर मैंने बंद कर दिए क्योंकि जगह नहीं बचती है, कम गमले नहीं बचते मेरे पास में, तो इसलिए मैंने बंद कर दिए थे। तो ये इस तरह से इसमें थोड़ी सी मिट्टी और जाएगी, ये सीडलिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो आप अपने गार्डन में अभी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सीड ही बोएं सीधे। मैं तो अभी सीड की कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ, बस आ कटिंग वगैरह लगा दे रही हूँ, जो कटिंग चल जा रही है वही लगा दे रही हूँ। और इसे हम पानी थोड़ा सा डाल देंगे इस तरह से ऐसे, ये मेरा फर्टिलाइज़र, मैं फर्टिलाइज़र की जगह पानी यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो अब इसे हम शेडी प्लेस में ही रखेंगे। अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी, मिट्टी हमेशा इसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और एक हिस्सा खाद मिलाइए, एक हिस्सा गोबर, और चाहे कोई सी भी खाद हो, गोबर खाद हो या आपकी किचन वेस्ट है बनी खाद हो, कोई भी खाद हो वो दीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहिए, आपका ये कलांचो खूब बढ़िया चलेगा, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे आपके प्लांट, है ना। तो इनकी इसी तरह से केयर कीजिए, सप्ताह के सप्ताह दीजिए, जैसी मर्जी हो वैसे दीजिए, वैसे कलांचो ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं मांगता है। तो इसे शेडी एरिया में रखिए, मैं बड़े प्लांट के बीच में रख दूँगी इस तरह से, इनके नीचे रखूँगी, इसी के नीचे रखा होता है मधुवालती के नीचे, डायरेक्ट पानी भी नहीं जाता है इस पर, बड़े प्लांट की वजह से धूप भी नहीं जाती है, तो इस तरह से रखूँगी। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ भी मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।